अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कच्चे आलू के पराठे। सबसे पहले लेंगे हम आटा एक प्याली, उसमें डालेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया, आलू, टमाटर का पेस्ट, आधा चम्मच जीरा, धनिया पाउडर, एक चुटकी लाल मिर्च कुटी हुई, हल्दी पाउडर, सुर्ख मिर्च आधी चम्मच, नमक मैंने यहाँ लिया है आधे चम्मच, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। एक चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। फिर उसके मुताबिक हम देखेंगे कि पानी हमें इसमें कितना चाहिए। इसका पेस्ट जब बनाना है तो इस बात का ख्याल करना है कि ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना बहुत ज़्यादा पतला। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसके बनाएंगे हम परांठे, तो फिर आपको दिखाते हैं। बैटर मैं आपको दोबारा से चेक करवा दूँ, ये देखिए इस तरह का है। और इसे इस कप की मदद से ही हम डालेंगे, आप जो मर्जी यूज़ कीजिएगा, ऑयल या घी या देसी घी या बटर, ये देखिए इस तरह भर लेना है। ये देखिए इस तरह अब हम इसकी साइड बदलेंगे। देखिए साइड हमने चेंज कर दी थी, हमने इसके ऊपर घी भी लगा लिया, तो ये फ्राई हो रहा है परांठा हमारा यहाँ पे देखने में कि कितनी प्यारी शक्ल आई है इसकी और बहुत सॉफ्ट है। देखिए पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम केचप के साथ या दही के साथ ले सकते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सॉफ्ट है खाने में। अपने बैटर का बस ख्याल करना है कि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो और बहुत ज़्यादा पतला ना हो। अगर पतला होगा तो फिर आपका जो पराठा है वो जगह जगह से टूट जाएगा और उसकी शेप भी अच्छी नहीं बनेगी। अगर गाढ़ा होगा, हल्का गाढ़ा होगा, तो उससे आपका परांठा टूटेगा भी नहीं और बिल्कुल सही बनेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको ये परांठे किस तरह लगे, कच्चे आलू के परांठे। अल्लाह हाफिज़।